हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म लुका छुपी के बारे में। तो कैसी है ये मूवी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का मूवी रिव्यू। लुका छुपी डायरेक्टेड बाय लक्ष्मण उटेकर। अगर कास्ट की बात करें इसमें हमें नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक और अपाक्षित खुराना। और अगर मैं मूवी की बात करूँ, मूवी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे इंडिया में तो अभी लीगल हो गया, मगर कुछ समाज ऐसे भी है जो इस चीज़ को अभी तक के उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते या उतना अपनाते। मगर आज की यूथ हमारे समाज से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच ये है कि शादी करने से पहले क्यों ना हमारे जो पार्टनर है उनको एक बार परख लिया जाए। तो उसी सोच को लेकर डायरेक्टर ने इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। फिल्म की कहानी मथुरा जैसे छोटे शहर के, जहाँ पर गुड्डू एक लोकल केबल रिपोर्टर है, वही अगर रश्मि की बात करें तो रश्मि के डैड पॉलिटिशियन है और रश्मि ने दिल्ली से मीडिया की पढ़ाई करके आई है। तो इंटर्नशिप के तहत उसे गुड्डू के साथ लोकल केबल रिपोर्टर में जुड़ जाती है। तो वहीं उन दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रश्मि डिसाइड करती है कि क्यों ना वो गुड्डू के साथ लिव इन रिलेशनशिप करके उसे परख ले। मगर प्रॉब्लम यह है कि रश्मि के पिताजी जो कि पॉलिटिशियन है, उन्हें लिव इन रिलेशनशिप से नफरत है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, जहाँ पे भी वो कपल्स को देखते हैं उन पर बरस जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वो अपना लिव इन रिलेशनशिप कहाँ पर के। तो गुड्डू का दोस्त जो प्ले किया अपाक्षित खुराना ने, वो कुछ इस तरह से चिकड़म जमाते हैं कि दोनों ग्वालियर जाके 20 दिन के लिए एक दूसरे का लिव इन रिलेशनशिप में रह ले। तो अब आगे देख वही ग्वालियर में पहुंच के दोनों लिव इन रिलेशनशिप करके शादी करने का फैसला कर लेते हैं। मगर इसी बीच गुड्डू का भाई पंकज, यानी पंकज त्रिपाठी, उन्हें देख लेता है तो उसे ये लगता है कि दोनों ने शादी कर ली। तो वो अपने घर पे जाके बताया था, तो उनके परिवार वाले इनको पकड़ लेते हैं और उनके परिवार को ये लगता है कि इनकी शादी हो गई, मगर इन लोग की एक्चुअल शादी अभी तक हुई नहीं है। तो ये पूरी मूवी अगर आप देखें तो इसमें यही बताया कि कैसा ये बिना फैमिली को बताया कैसा अपनी शादी करने के तिकड़म में लग जाते हैं, जो कि बहुत ही फनी वे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। तो मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊँगा आपको कब एंड में वो शादी कैसे करते हैं या पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि शादीशुदा नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टर की बात करो तो इतने अहम मुद्दे को उसने बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में बताया है। ये मूवी बहुत ही लाजवाब है स्टार्टिंग से एंड तक। आप फर्स्ट हाफ में कुछ इतना खास घटनाएं नहीं होती, मगर सेकेंड हाफ इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मैं कहूँगा कि ट्विस्ट और टर्न से भरपूर है। इस मूवी में फर्स्ट हाफ में उसने बताने की कोशिश की जो जेंडर इक्वालिटी होगी, कास्ट सिस्टम और जो छोटे शहर की जो सोच होती है, उस सोच को बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो हालांकि इस मूवी में इतनी कॉमेडी के जो डायलॉग्स और जो कॉमेडी सीन्स आपको कहीं पे भी बोर नहीं होते। अगर कार्तिक आर्यन की बात करें तो कार्तिक आर्यन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और अपने भोलेपन से इस कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी निभाया है। अगर कृति सेनन की बात करें तो बरेली की बर्फी के बाद उन्होंने फिर से बता दिया कि उनके जो स्टाइल में वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरह से वो डायलॉग बोलती है, बहुत ही गजब और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अगर इस मूवी के दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी ने हमेशा की तरह उनका एक अलग कॉमिक टाइमिंग है, उनका जो एक्सप्रेशन, उनका कॉमेडी करने का जो तरीका है, हमने स्त्री मूवी या उससे पहले भी देख चुके, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वही अगर अपाक्षित खुराना की बात करें तो अपाक्षित खुराना भी दोस्त की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है और आपको थिएटर से निकलने के बाद उनका कैरेक्टर भी आपको याद रह जाता है। तो कुल मिला के ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। और सॉन्ग्स तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सॉन्ग तो मूवी के ज़बरदस्त, जैसे कोका कोला हो या ये खबर छपवा दो अखबार में, सब गाने बहुत ही ज़बरदस्त है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये मूवी ज़रूर जाके देखनी चाहिए। और अगर आपको कॉमेडी मूवी पसंद है और कुछ अलग जॉनर में देखनी है तो ये ऐसी मूवी नहीं कि हम ब्रेन घर, बहुत ही अच्छी मूवी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी मूवी और मैंने ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसीलिए देखा क्योंकि ये मुझे सोन चिड़िया भी देखनी थी, मगर पहले मैंने इसे डिसाइड किया अब मैं जाके सोन चिड़िया भी देखूंगा और आपको उसका भी रिव्यू बताऊंगा। तो ये मूवी को मैं रेटिंग देता हूँ 4 स्टार। अगर आपको ये मूवी जाके देखनी है और आपको पसंद आती है मूवी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।